नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और करंट अफेयर्स की क्लास में। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए 2025-26 तक बढ़ा दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं कि किसे किसे दिया गया है। तो 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को, और हमारे कृषि वैज्ञानिक व भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, इनको 2024 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर, स्टूडेंट्स ध्यान देना, समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, इसका मतलब है कि जिस शहर की समग्र रूप से जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उसमें किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा, इंदौर शहर है। इसे 1 लाख से जनसंख्या ऊपर की श्रेणी में सबसे भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जो कि लगातार 7वीं बार शीर्ष पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, असम का राज्य फल आम, अमरूद, नींबू, काजी नींबू, जिसे हम सिट्रस लाइम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सिट्रस लाइम, काजी नींबू को ही असम का राष्ट्र